हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं मेडिकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है एशियन गेम्स 2018। और इस 2018 वाले एशियन गेम्स में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इंडिया ने क्या किया, एशियन गेम्स की हिस्ट्री क्या है, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज एशियन गेम्स एक अब ऐसा टॉपिक हो गया है जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। बिकॉज एशियन गेम्स में किसने कितने पदक जीते, कितना कितना खिताब जीते, इंडिया की रैंकिंग क्या रही, मेडल टैली क्या रही, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा किताब जीते, तो ओवरऑल सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप बिल्कुल लिख के ले सकते हो कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में, कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है और एशियन गेम्स रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशियाई खेलों को एक और नाम से जाना जाता है, उनका नाम है एशियाड। और याद रखिएगा ये 4 वर्ष में एक बार होते हैं, यानी अभी 2018 में हुआ है, तो अगला जो एशियन गेम्स होगा वो कब होगा, वो होगा 2022 में। और जैसा नाम से स्पष्ट है कि केवल एशिया के ही जो देश है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। सबसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे 1951 में, और इसे आयोजित कराने का श्रेय जाता है हमारे भारत को। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। एशियन गेम्स में जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें प्रथम स्थान पे आता है कोई उसे स्वर्ण, अगर कोई सेकंड पोजीशन अचीव करता है उसे रजत यानी सिल्वर, और थर्ड पोजीशन के लिए ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक दिए जाते हैं। बढ़ते हमारी अगली स्लाइड की तरफ और जहां पे हम डिस्कस करेंगे आने वाली चीजों को। और एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे जो एशियन गेम्स से रिलेटेड है। तो हमारी अगली स्लाइड पे हम आ चुके हैं कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, भारत में किया गया था 1951 में, और 1982 में इंडिया ने पुनः इन खेलों की मेजबानी की थी, 9th एडिशन था, ये भी याद रखेगा। यानी सबसे पहला 1951 में किसने किया था, इंडिया ने किया था। क्या इंडिया ने दोबारा भी किया, तो हाँ इंडिया ने 9th एडिशन 1982 में दोबारा आयोजित किया था। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन यानी इस साल के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। अगले यानी 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, 2022 में चाइना में होगा। और जो इसके अगले यानी जो 20वें एशियाई खेल होंगे उनका आयोजन कौन करेगा, वो करेगा जापान। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी भी कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, नेशनल लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहता है मैस्कट। आपने देखा होगा कि ओलंपिक के मैस्कट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से एशियन गेम्स का भी जो मैस्कट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार एशियन गेम्स का जो मैस्कट था उसका नाम था वीन वीन। बेसिकली इसमें आपको बता दूं कि 3 मैस्कॉट रखे गए थे और ये तीनों अलग अलग तरह की शक्तियों का प्रतीक थे। जैसे जो आपके सामने पहला मैस्कॉट है इसका नाम है भिन भिन, ये क्या है, ये एक बर्ड है, इसे बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। और ये जो भिन भिन है इसे इंडोनेशिया में स्ट्रैटेजी का प्रतीक बोलते हैं, कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की तो आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, भिन भिन की तरह होनी चाहिए। हमारा जो अगला मैस्कॉट है ये आपके सामने आ चुका है, ये है काका, बेसिकली एक राइनो है और ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है और ये वेस्ट इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा जो मैस्कॉट है ये आपके सामने आ चुका है, इसका नाम है आतुंग। आतुंग ये एक हिरन है और एक स्पीड का प्रतीक है और ये सेंट्रल इंडोनेशिया का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी 3 मैस्कॉट है, पहला था भिन भिन, दूसरा था काका, तीसरा था आतुंग, ये तीनों मैस्कॉट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हमारी अगली स्लाइड की तरफ, हम डिस्कस करने वाले एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप में टोटल कितनी कंट्री आती है, 48 कंट्री आती है, और अब तक 17 यानी संडे को तो 18वें एशियाई खेल का समापन हुआ है, लेकिन अब तक इससे पहले अगर हम बात करें तो 17 एशियाई खेल जो हो चुके थे उसमें 46 कंट्री ने भाग लिया था, जिसमें 43 कंट्रीज ने अब तक मेडल जीते थे। लेकिन 3 देश, मैं आपको बता दूं ये 3 देश थे आपके भूटान, मालदीव और तिमोर, इन्होंने 17वें बल्कि 18वें एशियाई खेलों तक भी कोई मेडल नहीं जीता, इन्होंने आज तक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता है। और 18वें एशियाई खेलों में यानी इस साल जो एशियाई खेल खत्म हुए उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 45 कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया है। इजराइल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इजराइल ने 5 बार हिस्सा लिया था, लेकिन 1974 के बाद से उसने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। और इजराइल जो है
इसराइल के अलावा एक और देश देखिए मैंने आपको लाइन किया है, जॉर्जिया। इसराइल और जॉर्जिया दोनों है तो एशिया के ही, लेकिन यूरोपियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया के वो देश जो एशिया में होने के बावजूद एशियन गेम्स में नहीं बट यूरोपियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं, तो इसराइल और जॉर्जिया। टर्की, रशिया, अजरबैजान, साइप्रस और आर्मेनिया, ये एशिया यूरोप दोनों में आते हैं पर यूरोपियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। जबकि मिस्र जो है वो एशिया अफ्रीका में आता है लेकिन ये अफ्रीकन गेम्स में हिस्सा लेता है। इसी के साथ जापान और भारत ये इकलौते ऐसे एशियाई देश है जिन्होंने हर एशियन गेम्स में एक एक गोल्ड मेडल तो जीता ही है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आपसे बात हो रही है कि एशियाई खेलों का लोगो इस बार क्या डिसाइड हुआ। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है एशियाई खेलों का लोगो और इसका नाम जो था वो था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या नाम था इसका? एनर्जी ऑफ एशिया इस लोगो का नाम था। और इस बार ये आधिकारिक गाना सिलेक्ट हुआ वो था ब्राइट एज द सन। तो इस बार आधिकारिक गाने क्या रहा है एशियन गेम्स का, उसका नाम था ब्राइट एज द सन। इस बार अगर मेडल टैली की बात करी जाए तो ओवरऑल मेडल इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने काफी सारे मेडल इस बार जीते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हमने एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड ज्यादा जीते, यानी कि हमने 7 गोल्ड जीते और टोटल 19 हमने मेडल जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर। शूटिंग में 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, यानी टोटल हमने 9 जीते। रेसलिंग की अगर हम बात करें तो 3 मेडल वहां जीते हैं। ब्रिज में भी हमने पहली बार ब्रिज आए और हमने इसमें पहली बार गोल्ड मेडल जीता, टोटल ब्रिज में हमने 3 मेडल जीते हैं। लॉन टेनिस की अगर हम बात करें तो इस बार इसमें भी हमने 1 गोल्ड मेडल जीता है, टोटल 3 जीते। रोइंग, बॉक्सिंग, इन दोनों में भी इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल से हमारा सम्मान और बढ़ाया ही है। टोटल इंडिया ने इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सेपक टेकरा, ये जो एक गेम होता है इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें इंडिया ने पहली बार एक मेडल जीता जो था आपका ब्रॉन्ज। बढ़ते हमारी अगली स्लाइड पर जिसमें हमने आपको बताया कि देशों की परफॉर्मेंस, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, चाइनीज ताइपे, इंडिया, कजाकिस्तान और DPR कोरिया। टॉप 10 कंट्री में इंडिया की पोजीशन है 8वें स्थान पर, जिसमें इंडिया ने 69 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें 15 गोल्ड है, 24 सिल्वर है और 30 ब्रॉन्ज है। एज इट इज क्वेश्चन ये बन के आने वाला है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। 15, 24 और 30 का ये आंकड़ा है, ये आपको एक नंबर दिलाएगा हर एग्जाम में, चाहे आप नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम फेस करो, चाहे एमपी लेवल पे कोई एग्जाम फेस करो, एक नंबर यहाँ से आपका हो गया फिक्स। तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया की रैंकिंग थी 8वीं और इंडिया ने गोल्ड मेडल कितने जीते? 15। सिल्वर मेडल कितने जीते? 24। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते? वो जीते 30। तो टोटल कितने मेडल जीते? इंडिया ने 69 मेडल जीते। और ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पे कौन रहा? चाइना। नंबर 2 पे कौन रहा? जापान। और नंबर 3 पे कौन रहा? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंडोनेशिया जो इसका आयोजन करवा रहा था, जो यहाँ पे मेजबानी कर रहा था, उसकी पोजीशन भी याद रखिएगा, वो है इंडोनेशिया 4th नंबर पे। मैंने सबसे आखिरी का देश यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन सबसे आखिरी मेडल टैली में था सीरिया, जिसकी पोजीशन 37 थी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते वाली अगली स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हमने गोल्ड मेडल्स के नाम वहां पे लिखे, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो टोटल इंडिया ने 15 गोल्ड जीते हैं। शॉटपुट में जीता है तजिंदर पाल सिंह तूर जी ने। क्या नाम इनका? तजिंदर पाल सिंह तूर जी ने। अगर जेवेलिन थ्रो की बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है जेवेलिन थ्रो में। 800 मीटर रेस में जीता है मंजीत सिंह ने। ट्रिपल जंप में जीता है अरपिंदर सिंह ने। वुमेन हेप्लाथन में जीता है स्वप्ना वर्मा जी ने। किसने जीता है? स्वप्ना वर्मा जी ने। जब भी फीमेल पावर की बात आती है तो फीमेल पावर पे विशेष हाईलाइट रखा करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्वप्ना वर्मा जी के बारे में बता दूं सर कि इनकी बॉडी में, मतलब इनके जो पाव है, इनकी 6-6 उंगलियां, इनके लिए जूते भी नहीं मिल रहे थे, और इनके मुंह में भी चोट लगी थी, आई थिंक दाढ़ी में, ये पूरे टाइम इन्होंने हड्डी को स्ट्रेच करके रखा, और इसके बाद भी इन्होंने हेप्टाथलन में मेडल जीता इंडिया के लिए, वो भी गोल्ड मेडल जीता। तो हेप्टाथलन में बेसिकली 8 तरह की प्रतियोगिताएं होती है, कोई एक प्रतियोगिता नहीं होती है, वो सब आपको क्रॉस करना होता है तब आपको गोल्ड मेडल मिलता है। और इनकी इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, इनके फादर रिक्शा चालक है और जो इनकी मदर है वो बागानों में काम करती है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसे पढ़ के हम काफी इंस्पायर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा मेंस 1500 मीटर रेस की बात करी जाए तो उसमें जीता है जिनसॉन जॉनसन ने, इंडिया की तरफ से मेडल जीता है। वुमेन्स 400 मीटर रिले की बात करी जाए तो इसमें 4 खिलाड़ी जो थी, एमआर पुवामा, सरिता बेन गायकवाड़, हिमा दास और बीके विस्मया, तो इन्होंने इसमें भी जीता है 400 मीटर रिले में। इसके अलावा गोल्ड मेडल और की बात करी जाए तो मेन्स लाइट फ्लाई में जीता है अमित पांगवाल जी ने।
पंघल जी ने, अमित पंघल जी ने। मैन स्पेयर की बात करी जाए ब्रिज गेम में, तो ब्रिज गेम में जीता है प्रणव वर्धन जी ने और शिवनाथ सरकार जी ने। और इसके अलावा ब्रिज पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और इनकी उम्र है 60 इयर्स और 58 इयर्स, यानी सर उम्र कोई सीमा नहीं होती लाइफ में कुछ भी अचीव करने की। 60 साल और 58 साल की उम्र में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, वो भी ब्रिज के अंदर। एक्सलेंट परफॉर्मेंस। इसके अलावा रोइंग की बात करिए तो रोइंग में अगर देखा जाए तो मैन क्वाड्रपल स्कल्स में जीता है मेडल, गोल्ड मेडल जीता है स्वर्ण सिंह जी ने, रत्तू बावन भूपनाथ जी ने, इसके अलावा ओम प्रकाश जी ने और सुखमीत सिंह जी ने। अगर बात करी जाए शूटिंग की तो शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है सौरभ चौधरी ने, वुमेन 25 मीटर पिस्टल में जीता है राही सनोवत जी ने, टेनिस में मेडल जीता है रोहन बोपन्ना जी और दिविज शरण जी ने। रेसलिंग में अगर बात करी जाए तो 65 मीटर में जीता है बजरंग पूनिया जी ने और वुमेन फ्री स्टाइल 50 kg में जीता है विज्ञेश फोगाट जी ने। फोगाट ये वही सिस्टर्स हैं जो आपने देखा भी होगा मूवी में, जो दंगल मूवी आई थी उसमें मूवी में जो बहनें थी वो यही फोगट सिस्टर्स की बात कहानी आई थी, हालांकि उसमें विनेश फोगट जी की बात नहीं हुई थी, उनकी बड़ी बहन की बात हुई थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल कुश्ती में पहली बार, अभी तक पहली बार जिस महिला ने दिलाया वो विनेश फोगट ही है। और हमें टोटल गेम के अंदर जो सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था इस बार एशियन गेम्स में वो बजरंग पुनिया ने दिलाया था। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें याद जरूर रखिएगा। इसके अलावा बात करीजिए सिल्वर मेडल की तो वुमेन टीम कंपाउंड ने मुस्कान जी ने, मधुमिता जी ने, ज्योति जी ने जीता है वुमेन टीम कंपाउंड गेम में। मुस्कान किरार ये एमपी से संबंधित है, मुस्कान किरार जी। और ये वैसे हमने अलग से कवर किया है कि जितने भी एमपी के प्लेयर्स हैं उनके बारे में, बट आप याद रखिएगा कि मुस्कान किरार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और मेंस टीम कंपाउंड और वुमेन्स टीम कंपाउंड आपके सामने, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। एथलेटिक्स की बात करें तो मेंस 800 मीटर में जिंसन जॉनसन ने सिल्वर जीता है, वुमेन्स 400 मीटर में हिमा दास ने, मेंस 400 मीटर में मोहम्मद अनस ने, वुमेन्स 100 मीटर में दुती चंद ने। दुती चंद बहुत ही मतलब ये सर इनका एक इश्यू हुआ था दुती चंद का, इन्हें बहुत सारे आरोपों का सामना करना पड़ा था उड़ीसा में। पहले कहा गया ये पुरुष है, इनके काफी सारे टेस्ट हुए, फिर कहा गया महिला है, फिर टेस्ट हुए एंड फाइनली बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद ये वापस आए और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया और सारे आलोचकों को जवाब दे दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। मैन 400 मीटर हर्डल्स की बात करी जाए तो उसमें मेडल जीता है धरुण अया स्वामी जी ने, वुमेन 3000 मीटर स्टेपल चेस की बात करी जाए तो ये मेडल जीता है सुधा सिंह जी ने, वुमेन लॉन्ग जंप की बात करी जाए तो ये मेडल जीता है नीना वाराकिल जी ने, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में ये मेडल जीता है राजीव मोहम्मद हिमा दास और एम आर पुवम्मा जी ने। और मैंस 4x400 रिले की अगर बात करी जाए तो धरुण जी ने, कुंभू जी ने, राजीव जी ने और मोहम्मद अनाज जी ने मिलकर ये मेडल जीता है। बैडमिंटन की बात करी जाए तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने फिर से हमारा एक बार नाम ऊंचा किया है और इन्होंने इस बार जीता है सिल्वर मेडल बैडमिंटन में। और अगर बात करी जाए इक्वेस्ट्रियन की तो इक्वेस्ट्रियन के अंदर इंडिविजुअल इवेंटिंग में फवाद मिर्जा ने ये मेडल जीता। टीम इवेंट की बात की जाए तो फवाद मिर्जा, राकेश कुमार, आशीष मलिक और जितेंद्र सिंह ने ये मेडल जीता। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में वुमेन्स टीम टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन टीम ने हमारा नाम बहुत ऊपर किया, इस बार इंडियन वुमेन टीम हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आई। कबड्डी में भी वुमेन टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन टीम ने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता इस बार। कुराश में वुमेन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था कुराश नामक गेम और इसमें ये सीधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि पिंक की बलहारा का संबंध किस खेल से है, तो कुराश से इनका संबंध है। सेलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो श्वेता वर्षा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। शूटिंग के अंदर दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में, मेंस ट्रैप में लक्ष्य ने, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में संजीव राजपूत ने और मेंस डबल ट्रैप में शार्दुल विहान ने ये मेडल जीता है। इसके अलावा स्क्वाश की बात करिए तो वुमेन टीम में अगर बात करिए दीपिका पल्लिकल काफी पॉपुलर नेम हो गया, दीपिका पल्लिकल, क्योंकि इतनी बढ़िया ये स्पोर्ट्स प्लेयर है और स्क्वाश के मामले में ये पूरे देश भर में इन्होंने झंडे गाड़ के रखे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका नाम काफी ज्यादा है। तो दीपिका जी ने, दो जोशना जी ने, तन्वी जी ने, सुनैन्या कुरविल्ला जी ने भी मिला के स्क्वाश में मेडल जीता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज मेडल 1500 मीटर रेस में पीयू चित्रा जी ने, डिस्कस थ्रो में सीमा पूनिया जी ने, सीमा पूनिया हमेशा हमारे देश का नाम ऊंचा करने में कभी पीछे नहीं होती, सीमा पूनिया जी डिस्कस थ्रो में आपने देखा होगा ओलंपिक में भी परफॉर्मेंस का काफी अच्छा था। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करी जाए तो बैडमिंटन में अगर देखा जाए साइना नेहवाल जी ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है
और सिल्वर मेडल किसने जीता? सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है साइना नेहवाल ने। और इसके अलावा बात करिए बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में मेडल जीता है विकास कृष्णन यादव जी ने। सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है प्लेयर से कि इस प्लेयर का संबंध किस खेल से, इसलिए स्टूडेंट आप प्लीज स्क्रीनशॉट इन सबका ले सकते हैं। ब्रिज में जीता है मेंस टीम ने सुमित जी ने, देवव्रता जी ने, जग्गी राजेश्वर अजय और राजू जी ने मिलकर जीता है मेंस ब्रिज टीम में। और मिक्स टीम में अगर देखा जाए तो बची राजू, राजीव जी, गोपीनाथ जी, हिमानी जी, हेमा जी और किरण नगर जी ने मिलकर मेडल जीता है ब्रिज टीम में। हॉकी टीम में अगर बात करिए तो हॉकी टीम में भी इंडियन मेंस टीम ने फिर से फतह हासिल करी है, लेकिन इस बार ये ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई, इन तीसरे नंबर पर रही, कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीतने से हम रह गए। और कबड्डी में भी देखा जाए तो कबड्डी में भी इंडियन मेंस टीम को ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। अगर पुरुष की बात करिए तो पुरुष में मलप्रभा जाधव जी ने इस बार मेडल जीता है ब्रॉन्ज में, पहली बार पुरुष टीम का इंट्रोडक्शन हुआ, भारतीय टीम गई पुरुष गेम में। और रोइंग में अगर देखा जाए तो दुष्यंत चौहान जी ने लाइट वेटिंग सिंगल स्कल्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा रोहित कुमार और भगवान जी ने भी डबल स्कल्स में मेडल जीता है। सीलिंग में अगर देखा जाए तो वरुण जी ने, गणपति जी ने, इसके अलावा मैन मिक्स ओपन लीडर में हर्षिता तोमर जी ने मेडल जीता है। सीपक ठकरा में इंडियन मेन्स टीम ने मेडल जीता है। शूटिंग में अगर बात की जाए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में रवि और अपूर्वी जी ने मेडल जीता है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में हीना सिंधु काफी पॉपुलर नहीं और पहले भी मैम इनके बारे में कई बार डिस्कस कर चुकी हैं अपने पुराने वीडियोस में। स्क्वाश में अगर बात करिए तो मेंस सिंगल्स में जीता है मेडल सौरभ घोषाल जी ने, वुमेन्स सिंगल्स में जीता है जोशना चिनप्पा जी ने वुमेन्स सिंगल्स में। स्क्वाश में एक और मेडल जीता है दीपिका पल्लिकल जी ने। इसके अलावा मेंस टीम की अगर बात करी जाए तो सौरभ जी, हरविंदर जी, रमित जी और महेश जी ने जो जीता है स्क्वाश में मेडल। टेबल टेनिस की बात करें तो मेंस टीम में सात्यन गणेशकरण, अचंत शरत कमल और अंतोनी अमलराज, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर का नाम आपसे पूछा जाएगा। टेबल टेनिस के मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल हमें दिलाया है अचंता शरत कमल ने और मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत के लिए काफी कुछ अचीव करके दिया था। टेनिस में अगर हम आगे बात करें तो वुमेन सिंगल्स में अंकिता रैना ने यह खिताब हासिल किया। इससे पहले यह खिताब पिछले गेम्स में हासिल किया था हमारी साइना मिर्जा जी ने। ठीक है, मेन सिंगल्स की बात करें तो प्रजनेश गणेश्वरन और रेसलिंग की बात करें तो वुमेन्स फ्रीस्टाइल 68 केजी में दिव्या काकरण का नाम जरूर पूछा जाएगा। उसके अलावा वुशु की बात करी जाए तो वुमेन्स सांडा में जीता है रोशी बिना जी ने, मेन्स सांडा में जीता है संतोष जी ने, मेन्स सांडा 60 केजी में जीता है सूर्या भानु प्रताप सिंह जी ने और मेन्स सांडा 65 केजी में जीता है नरेंद्र गरेवाल जी ने। इसके अलावा बात करी जाए एशियाड में जाने वाले भारतीय धर्म में जितने मध्यप्रदेश के खिलाड़ी थे वो थे, ये सब के नाम आपसे पूछे जाएंगे तो सुप्रिया जाटव, निधि ननेट ये कराटे से संबंधित है, एकता यादव, शैल चांस, हर्षिता तोमर, गोविंद बैरागी ये सभी सेलिंग से संबंधित है, मुस्कान किरार इनका संबंध तीरंदाजी से है, विश्वजीत कुशवाहा, प्रिंस परमार, जानवी श्रीवास्तव, चंपा मौर्य, आरती पांडे, धीरज की, राहुल केवट ये सभी केना सलालम से संबंधित प्लेयर थे, नमिता चंदेल, मीरा दास कायाकिंग केनोइंग से संबंधित थे, लकी नाथ रोइंग, अद्वैत पागे का संबंध तैराकी से था, वर्षा वर्मन का संबंध शूटिंग से था, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा ये धार के ही प्लेयर है और इनका संबंध बैडमिंटन से था और अंजुल नामदेव का संबंध वुशु से था। आगे के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्ष 2018 में संपन्न एशियाई खेल का ये कौन सा संस्करण था, तो आपको याद रखना 18वां संस्करण था। 18वें एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया, तो इस बार 45 देशों ने भाग लिया, टोटल खेल के खिलाड़ी कितने थे, 11,000 खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा कितने खिलाड़ियों का दल इसमें शामिल होने के लिए भेजा गया था, यह इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा दल था, इसमें 571 प्लेयर थे। ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था गेलोश बुक कार्नो जीबी के इस जगह में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया में सर्वप्रथम आयोजन किस वर्ष में हुआ था, तो यानी 1962 में भी इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था, तब सिर्फ जकार्ता में हुआ था, इस बार जकार्ता पालेमबांग दोनों में हुआ है। भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर स्थान क्या रहा, तो टोटल 10वें नंबर पे रहा जितने भारतीय खिलाड़ी गए थे, तो टोटल 10वें नंबर पे हमारे टोटल खिलाड़ी थे। भारत द्वारा कितने खेलों में भाग लिया गया, तो 28 खेलों में भारत ने भाग लिया था। किन दो खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में भारत में पहली बार शामिल किया गया, खेलों को पहली बार इसमें शामिल किया गया, एशियन गेम्स में शामिल किया गया, तो ई स्पोर्ट्स और कैनो पोलो को शामिल किया गया। कितने खेलों को पहली बार एशियन गेम्स में शामिल किया गया, तो टोटल है 10। इनके नाम है पैनकाक सिलाट, ब्रिज, कुराश, सेबो, जी जुत्सु, स्केटबोर्ड, 3x3 बास्केटबॉल, जेट स्की, क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
भारतीय दल के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया इंडिया को, तो काफी अच्छी बात है। ये हमारे ध्वजवाहक भी थे और इन्होंने इंडिया का प्राउड भी बढ़ाया। एशियाई खेल 2018 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? इनका नाम है ली हुंग फोंग और इनकी उम्र 31 साल। आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, 31 साल अगर बात करें, ये मुझे लग रहा है क्योंकि कुछ हुआ ये शायद 81 ईयर्स होगा, प्रॉबली 81 या 71 ईयर्स होगा, तो एक बार इनकी एज पे अपन डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, सबसे युवा खिलाड़ी कौन रही? तो इनका नाम था अल्लिका नोवेरी कंथीसा जी। इनका नाम क्या था? अल्लिरा नोवेरी कंथीसा जी। और ये बिल्कुल मैं सही बोला था, इनकी जो एज थी वो थी 81 ईयर्स। और ये खिलाड़ी थे मलेशिया के, कहाँ के खिलाड़ी थे? मलेशिया के खिलाड़ी थे और इनकी एज थी 81 ईयर्स। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन रही? तो इनका नाम था अलिका नोवेरी कानिसा और ये इंडोनेशिया की स्केट बॉर्डर थी, और इनकी उम्र मात्र 9 साल थी। मात्र 9 साल की स्कैट बॉर्डर थी। ये क्या सब बात है, 9 साल में हम सीरियसली सोच भी नहीं पाते मैं करना क्या, आगे मेडल लेके आ रही है लोग। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में भारतीय दल का स्थान क्या रहा? तो मार्च पास्ट में भारतीय दल का रहा स्थान 9वां। 18वीं एशियाई खेलों के पहले दिन भारत को कुश्ती में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलवाया? बजरंग पुनिया, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। 18वें एशियाई खेलों के पहले दिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये थी अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार। वह भारतीय जो 32 साल में पहली बार 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के फाइनल में पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, और इसका आंसर है साजन प्रकाश। एशियन गेम्स के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई? ये बन गई विनेश फोगट, और बिल्कुल इन्होंने प्राउड हमें फील कराया, इनकी बहनों ने भी हमें पहले काफी प्राउड मोमेंट्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया? एंड द नेम इज दीपक कुमार। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, 18वीं एशियन गेम्स में पुरुष ट्रैम्प स्पर्धा में फाइनल में रजत पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे लक्ष्य शेरोन। क्या नाम था इनका? लक्ष्य शेरोन, याद रखिएगा नाम। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत को सेवक, बेसिकली इट्स नॉट सेवक, इट्स सेपक टेकरा, सेपक टेकरा खेल में पहली बार कौन सा पदक मिला? तो हमें मिला है कांस्य पदक, और इसे दिलाया हमें पुरुष टीम ने। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बने हैं सौरभ चौधरी जी। कौन बने हैं? सौरभ चौधरी जी। 18वें एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? अभिषेक वर्मा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, महिलाओं की 68 kg फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? तो इनका नाम है दिव्या काकरण। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक किस निशानेबाज द्वारा जीता गया? एंड इसका राइट आंसर है संजीव राजपूत। संजीव राजपूत द्वारा जीता गया रजत पदक। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, पुरुष शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किस भारतीय द्वारा जीता गया? ये जीता गया सौरभ चौधरी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, वुशु में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कितने मेडल प्राप्त किए गए थे? एंड द राइट आंसर एंड द नेम इज, मतलब 4 कांस्य पदक प्राप्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महिला शूटिंग के 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? तो इनका नाम है राही शत्रुवत। क्या नाम? राही शरणोवत सर। राही शरणोवत द्वारा 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता गया। डबल शूट ऑफ में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली शूटर कौन बनी? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। एंड द नेम इज राही शरणोवत। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम द्वारा एशियन गेम्स में कौन सा पदक प्राप्त किया गया? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में महिला टेनिस सिंगल्स में पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी? इनका नाम है अंकिता रैना जी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, पुरुष की डबल ट्रैम्प स्पर्धा में रजत पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? तो इनका नाम है शार्दुल बिहान। एशियन गेम्स इतिहास में हेप्टाथलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? इनका नाम है स्वप्ना वर्मन। ऑलरेडी बताया इनके बारे में, इनका नाम था स्वप्ना वर्मन। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा कौन सा पदक जीता गया? ये पदक था रजत पदक जीता भारतीय महिला हॉकी टीम ने। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता कांस्य पदक। महिलाओं ने ज्यादा नामों से रोशन किया इस बार रजत पदक जीत के। 2018 एशियन गेम्स की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी? तो ये थी रिकाको ईके। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रिकाको ईके। 18वें एशियन गेम्स में पुरुष के 49 भार वर्ग में स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इनका नाम था अमित पघल। ब्रिज इवेंट में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले खिलाड़ियों का नाम क्या था? तो इनका नाम था प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार।
एशियन गेम्स के इतिहास में स्वर्ण पदक पाने वाले भारतीय जैवलिन थ्रोअर कौन बने? नीरज चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं कि रिकाको ईके का संबंध जापान से। इन्होंने इस कंपटीशन में तैराकी में 6 स्वर्ण 2 रजत जीते हैं और इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है। और 1951 से लेकर 2018 के इतिहास में पहली महिला प्लेयर है जिन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है। यानी इस बार महिलाओं ने तो सच में वुमेन एम्पावरमेंट में काफी नाम रोशन किया है। अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।